CRD, completely randomized design. RCBD, randomized completely block design. LST, Latin scale design. सबसे पहले है CRD, completely randomized design. इसमें treatments होती हैं, मिसाल के तौर पर A, B, C, D, या नंबर होता है 1, 2, 3, 4, और applications होती हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से नंबर ऑफ एप्लीकेशन होते हैं. इसके लिए हमने हाइपोथेसिस लिखनी होती है, एच नोट कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर. एच वन एट लीस्ट वन मीन वैल्यू इज डिफरेंट. फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5%, क्रिटिकल रीजन एफ कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मीन्स केयर ट्रीटमेंट्स ओवर मीन्स केयर एरर कैलकुलेशंस. अनोवा टेबल टेबल में सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ कैलकुलेटेड और एफ टैबुलेटेड. एफ टेबल की वैल्यू हमें गिवन होती है. सोर्स ऑफ वेरिएशन दो तरह के हैं, एक ट्रीटमेंट्स और दूसरा एरर. फिर टोटल ट्रीटमेंट्स होती हैं टी माइनस वन एन माइनस टी. सम ऑफ स्क्वायर हम फार्मूले से लेंगे और मीन सम ऑफ स्क्वायर लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, और एफ कैलकुलेटेड लेते हैं मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट्स ओवर मीन स्क्वायर एरर, और एफ टैबुलेटेड हमने टेबल से देखना होता है. अगर हमें डेटा दिया गया हो, अगर डाटा गिवन हो, फॉर एग्जांपल P1, V2, P3 ट्रीटमेंट्स हैं ये, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सारी रेप्लिकेशंस हैं. तो सबसे पहले हमने इसमें इन सब को टोटल करना है और इनका मीन लेना है. मीन ले लेना है, टोटल ले लेना, और इधर इनका ग्रैंड टोटल मतलब सारे टोटल्स को जमा कर लेना है, और ग्रैंड मीन लेना है मतलब इन मीन्स को जमा करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको इन वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है. फिर हमने करेक्शन फैक्टर लेना है. करेक्शन फैक्टर होता है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये जो सारी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 12 हैं ठीक है, इस तरह से करके इसके बाद हमें लेना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर. टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है ये सारी वैल्यूज का स्क्वायर मतलब समीशन वाई आई का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर. फिर हमने लेना है एरर सम ऑफ स्क्वायर, नहीं नहीं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, वो होता है
टोटल वैल्यूज, इनको जो जमा करके वैल्यूज आती हैं उनका स्क्वायर तकसीम एन माइनस करेक्शन फैक्टर। फिर लेते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर के लिए हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद हमने हमारा अनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जैसे पीछे बताया है मैंने इस तरह से। फिर जो हमारा सम ऑफ स्क्वायर आएगा उन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, फिर मीन सम स्क्वायर निकल आएगा, फिर एफ कैलकुलेटर निकल आएगा। फिर हमने अगर हमारे पास एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल हो एफ टैबुलेटेड से, एच नोट रिजेक्ट करना है। ठीक है, अब हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है। सी वी इज इक्वल टू मीन स्क्वायर एरर ओवर आर ओवर ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसको इंटरप्रेट करना है। इसके बाद हमने इन्फ्रेंस आवर आफ्टर अनोवा, टकीज़ टेस्ट। टकीज़ टेस्ट पे हमने W इज इक्वल टू Q इंटू टी डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड L इंटू मीन स्क्वायर एरर ओवर R ये लेना है। T और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर और अल्फा की वैल्यू लिख के हमने Q की वैल्यू मूव कर लेनी। जब Q की वैल्यू मूव होगी इन दोनों के अंडर रूट लेने के बाद उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में हमने क्या करना है कि हमारे जो मीन्स है ना उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। कम्प्लीटली ब्लॉक डिज़ाइन और लैटर स्केयर डिज़ाइन। सबसे पहले कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन आता है, उसमें हमने ट्रीटमेंट्स और एप्लीकेशन देखनी होती है। ट्रीटमेंट्स ये होती है कि ए बी सी डी हम उनको क्या मतलब देते हैं, मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री, और उसमें जो हम चीज़ों को रिपीट करते हैं उसको रेप्लीकेशन बोलते हैं। इसके लिए हमें हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है। एच नोट होता है, एच नोट में होता है सारे मीन इक्वल होते हैं और एच वन में हम लिखना होता है एटलीस्ट वन मीन जो होता है डिफरेंट होता है। फिर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% लेना होता है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन आता है, मतलब हमने एफ कैलकुलेशन निकालनी होती है, उसका मतलब एम मीन्स केयर ट्रीटमेंट ओवर मीन्स केयर एरर। फिर हमने अनोवा टेबल करना होता है, उसमें 5 चीज़ें होती है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ कैलकुलेटर, एफ टैबुलेटर। हमारे पास इसमें दो सोर्स ऑफ वेरिएशन, एक ट्रीटमेंट है और दूसरा एरर है। फिर हमने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेनी है टी माइनस वन और एन माइनस टी के फार्मूले से, और सम ऑफ स्क्वायर हम दूसरे फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा गिवन दिया हो मिसाल के तौर पे, तो ये जो वी वन वी टू और ये सारी ये ट्रीटमेंट्स हैं और ये जिनमें नंबर्स आएंगे ये रेप्लिकेशन है, हमने इनको टोटल कर लेना है। फिर इन टोटल को यहाँ पे सारा करके जमा करके ग्रैंड टोटल कर लेना है। फिर मीन्स ले लेनी है, मीन्स वैल्यू लेके इनको भी इनकी भी ग्रैंड मीन ले लेना है। फिर करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर होता है ग्रैंड टोटल का स्केयर ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने टोटल सम ऑफ स्केयर लेना है, ये सारी वैल्यूज का स्केयर लेके माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर से। फिर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर होगा, जो हमारी टोटल वैल्यूज होंगी उनका स्केयर लेना है और उनको इनके नंबर ऑफ वैल्यूज पे 1, 2, 3 जैसे ये है उस पर तकसीम करके माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर से, तो हमारे पास ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, एरर सम ऑफ स्केयर कैसे लेना है कि टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्केयर, तो हमारे पास एरर सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। फिर ये सारी वैल्यूज जैसे कि मैंने नोवा टेबल में बताया था कि उसमें पुट कर देनी है। फिर हम मीन सम ऑफ स्केयर ले लेंगे, सम ऑफ स्केयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर को निकाल के फिर एफ कैलकुलेटर ले लेंगे और उसका कंपैरिजन एफ टैबुलेटर से कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास डिसीजन रूल होता है, उसमें हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एफ कैलकुलेटर से टैबुलेटर से ग्रेटर आ जाए तो हमने एच नोट को रिजेक्ट कर देना है। इसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना है, उसका फार्मूला है मीन स्केयर एरर ओवर ग्रैंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इस फार्मूले के जरिए से हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर हमारी वैल्यू 3% से 20% आती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलायबल है। फिर हमने उसके बाद इन्फ्रेंस आवर्टर अनोवा, उसमें हमने टकी टेस्ट लेना है। टकी टेस्ट का फार्मूला है W इज इक्वल टू क्यू टी डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा, मतलब हमने टी और ट्रीटमेंट और एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है और अल्फा और इधर मीन्स के एरर ओवर नंबर ऑफ रेप्लिकेशन लिख देनी है। जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसको हम W बोलेंगे। फिर हमने कंपेरिजन टेस्ट करना है, इस सारे मीन्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, फिर उनको
कंपैरिजन करना है, एंड वाली वैल्यू को ले लेना है उसको पहले से करना है, फिर दूसरे से करना है, फिर तीसरे से करना है, फिर दूसरी वाली को ले लेना है उसको पहले से करना है, फिर दूसरे से करना है, फिर इसको ले लेना और इसके साथ करना है। जो माइनस की वैल्यूज हमारे पास यहाँ आएंगी इसको हमने इस टक्की वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर हमारी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ये सिग्निफिकेंट होगी, अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी होगी तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी।